प्रश्न सुनो कितना सुंदर है। जिसकी मृत्यु सातवें दिन है वो क्या करे, और जिसे मनुष्य जीवन मिल गया हो वो पूरे जीवन भर क्या करे? राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। जॉब कौन सी करनी चाहिए, प्लानिंग करते हो? कौन से स्कूल में पढ़ना चाहिए, प्लानिंग करते हो? कैसे प्रकार के व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए, प्लानिंग करते हो? किसके साथ मूवी जाएं, कैसे माँ बाप को पता ना चले छुप छुपा के चले जाएं, प्लानिंग करते हो? हाँ या ना? कौन सी कंपनी का मोबाइल लें, प्लानिंग करते हो? कौन सी सिम यूज करें, प्लानिंग करते हो? करते हो कि नहीं, जवाब दो। हैव यू एवर प्लान्ड हाउ टू लिव लाइफ मिस्टर यंग? टेल मी, हैव यू एवर प्लान्ड हाउ टू लिव लाइफ? कभी प्लान किया जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? ये क्या प्लान करेंगे, टीवी पे एड देख के तो खाना बदल लेते हैं ये लोग। मीन्स हम सबकी बात कर रहे हैं, हम एक की नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं। टीवी पे एड देख के खाना बदल लेते हैं। हमसे अच्छे तो वो पशु हैं, जो खाने के लिए पैदा हुए वही खाते हैं। सिंह को 10 दिन भूखा रखो आप, सिंह को 10 दिन भूखा लगो और उसे कहो घास खा ले, खाएगा? बोलो खाएगा। हैं? घोड़े को 15 दिन भूखा रखो और 15वें दिन 16वें दिन उसे कहो ले मांस खा ले, खाएगा? जोर से बोलो नहीं। इंसान को सुबह से शाम तक भूखा रखो, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को भूखा रखो सुबह से शाम तक, और शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति से कहो यहां अभी 4-5 दिन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा खाने को, यही है मांस है, बोलो खाओगे कि नहीं, खाएगा कि नहीं? है क्या बोलेगा? जान है तो जान है, फिर हो जाएंगे शाकाहारी। मांसाहारी को कहो तू बहुत मांसाहारी खाते ना, बोले हाँ, बोले यहाँ पर है ही नहीं मांसाहारी, एकदम शुद्ध शाकाहारी ढाबा, बाबा का ढाबा, शुद्ध शाकाहारी ढाबा, खाएगा? नहीं मिलेगा तो खा लेंगे भैया, जाना है तो जान। बदल गया, मांसाहारी शाकाहारी हो गया, शाकाहारी मांसाहारी हो गया, काहे के लिए? जिंदा रहने के लिए। इतनी जल्दी जो अपनी सोच बदल ले वो अपना कल्याण करेगा। भगवान से मिलने के लिए जिस पे प्याज लहसुन तक न छोड़ी जाए और कहते भगवान को देखा नहीं, हम बिलीव नहीं करते। गधों की तरह जिंदगी मत जियो, घोड़ों की तरह जिंदगी मत जियो, पशुओं की तरह जिंदगी मत जियो। भगवान ने इंसान बनाकर भेजा, इंसान की जिंदगी जियो, मानव की जिंदगी जियो। भगवान ने तुम्हें हाथी घोड़ा ऊंट और शेर सिंह नहीं बनाया, भगवान ने तुम्हें मानव बनाया है, और मानव में भी इतना समझदार कि सनातनी बनाया, उसके बाद भी गधों जैसी जिंदगी जियोगे, ऊपर से ठाकुर को दोष दोगे कि हमारी सुनता नहीं? सच तो यह कि तुम हो ही नहीं इस लायक तुम्हारी सुने। ठाकुर जी की जगह 5-10 दिन मैं बैठ जाऊं ना तो कसम से मार मार के लाल कर दूं कुछ लोगों को, तो मैं खुद आया करूंगा मारने उसे। मांगने आ जाता, हाथ फैलाने आ जाता, खींच के किया क्या दादू ने आज तक? कसम से मैं, मुझे ठाकुर जी एक बार चांस दे दे 10 दिन के, बेटा तू संभाल, क्या संभाल रहा है ले। ये जो रोज अपने धन को त्याग कर उल्टी सीधे हरकतें करते ना, इन्हें ऐसा मुझे पता अभी ठाकुर जी इतनी जल्दी मौका मुझे देगा नहीं, ऐसा यही मौका दिया, बोले यहीं से समझाए इनको, तो यहीं से समझा रहा हूं। मानव बनाकर भेजा है, गधे मत बनो, पशु मत बनो,
ये शान, ये शौकत, ये ऐश्वर्य, ये वैभव, ये मान, ये प्रतिष्ठा सब खाक है, मिट्टी में मिल जाएगी। जब तू जलेगा ना, कोई नहीं पूछेगा कि कितने हजार करोड़ का मालिक था, कोई नहीं पूछ, चबन्नी भर का नहीं पूछ। अगर कोई याद करेगा तो इसलिए कि इसने अच्छा किया था कि नहीं। तेरे घर वाले भी नहीं रोएंगे तेरे मरने पर, कसम से। इतनी बुरी आदतें पाली हुई हैं, घर वाले भी चैन की नींद लेंगे, चल मर गया वह अच्छे से खाएंगे, बढ़िया हो गया। इसलिए ये कुछ लोगों को स्पेशल मैसेज दिया है मैंने, वो समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो तेरी तू जान। हमारे का तो कथा ही है, हम तो कथा ही कहेंगे।